घर खोना जिंदगी कब्र में लेटने जैसा है। घर खोने का दुख वही जानता, सिर्फ वही जिसने अपना घर खोया हो। कश्मीर में विस्थापन 7 बार हुआ, बड़ा विस्थापन 13वीं सदी में हुआ है। वो चिकन के टाइम पे सुनते हैं कि केवल 11-12 घर बचे थे। अब वो मुझे याद दिलाए, वो बहुत दर्दनाक बात है। ललदेत को लेकर कश्मीर में जिस तरह की कथाएं हैं जी, और वो किंवदंती एक तरीके से बन चुकी हैं, आप ललदेत को किस तरह देखती हैं? ललदेत बहुत बड़ी कवित्री थी, चाहे अभिनेत्री जो भी थी, एक भी उसका स्मारक कश्मीर में नहीं है। यहाँ वितस्ता बहती है जी। उपन्यास की जगह जीवनी भी हो सकती थी। हो सकती थी, पर क्या होता, कुछ सच ऐसे होते हैं जो बहुत नितांत निजी से होते हैं। तो मनोरम जोशी बोलते क्या अर्थांतर विषयांतर क्या लिखती हो, ऐसे करते बात, कभी कभी गुस्सा भी आता था। मैंने कहा क्या लिखूँ मैं, अलग ऐसे तोप की चीज़ क्या लिखूँ। लेकिन अर्थांतर उपन्यास अगर मैं आपका लूँ, उसकी कम्मो या फिर बाकी सब खैरियत है कि पारो, ये दोनों अपने अस्तित्व की प्रामाणिकता के लिए संघर्ष तो करती हैं, लेकिन स्वच्छंदता के लिए राजी नहीं है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ ऐसे लेखक हैं जो बहुत झंडेबरदारी करते हैं और समाज में नहीं होता। वो कथा से लिखकर भी मुझे लगा कि जो मैं करना चाहती थी मैंने किया। लिखते हुए क्या वो तटस्थता एक लेखक के तौर पर आपके भीतर बरकरार रही थी, या फिर चूंकि आप कश्मीरी ब्राह्मण हैं तो वो पक्ष ज़्यादा झुका नहीं, नहीं मेरा दिमाग में ये बात आई ही नहीं। तो ये जो फैशन के तौर पर कश्मीर पर लिखने का जो एक चलन चला है, कोई परवाह नहीं करता उन लेखन से। कुणार्क आपके यहाँ इस उपन्यास में प्रेम और शक्ति के रूप में सामने आया, प्रेम और ऊर्जा का, ऊर्जा के रूप में सामने आया। ये भाव कुणार्क को देख के ही जागृत क्यों हुआ? श्रीलाल शुक्ल का मुझे फोन आया, चंद्रकांता तुम्हें साहित्य अकादमी का अवार्ड मिल रहा है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ कि बारिश हो रही है, मेरा प्लेन नहीं जा रहा। नहीं नहीं आप कह रही हैं रातों रात डिसीजन बदल गया? हाँ। अभी भी बैडमिंटन खेलती हैं? अब तो मेरे को आर्थराइटिस हो गया, मैं खेलती थी। हाँ। मैंने कौन सी शौक नहीं पाले।